ये दिल तेरी आँखों तू महबूबा। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आप जिस वीडियो को देखा, उस वीडियो को दोस्तों इस भाई ने फर्स्ट बार बनाया है। जैसे गाइस इस भाई ने इस वीडियो को बना के अपलोड किया है, मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि इस वीडियो में दोस्तों अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस टाइम पे कुछ इस तरह का वीडियो बना के अभी टिकटॉक में अपलोड करते हो, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो वीडियो है दोस्तों वीडियो वायरल हो सकता है, या फिर आपको उस वीडियो में लाइक जरूर आने के आपको चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दे, ताकि दोस्तों और भी कुछ इस तरह का वीडियो बना के अपना लाइक और फॉलोअर बढ़ा सके। दोस्तों अगर आप मुझे नहीं जानते हो, तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत, और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जे एस आर करुणा में। कैसे अगर आप मुझे बखते हुए पहली बार सुन रहे हो, या फिर मेरे चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो, तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है, दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरह से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लेना होगा। मैं गाइस यहां पे अपने हिसाब से एक्टिंग कर रहा हूं, मुझे पता है दोस्तों आप मेरे से अच्छा एक्टिंग कर लोगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन करना है। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइन मास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों यहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर एप्लीकेशन है, उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको जो बीच में न्यू ओटीपी फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले न्यू ओटीपी फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहां पर गाइस जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है, वो है आपका 9:16 का। आपको दोस्तों 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मेरा काइन मास्टर एप्लीकेशन है, उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इसी वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहां पर गाइस मैंने उस वीडियो का ग्रीन स्क्रीन का लिंक दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन का लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा, और यहाँ से गाइज आपका जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आना होगा। आने के बाद गाइज आप उसी फाइल में कुछ इस तरह से क्लिक कीजिएगा, और गाइज जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इस वाले 3 डॉट में क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लीजिएगा। और गाइज आपको उस वाले डुप्लीकेट में आपको कुछ इस तरह क्लिक करना होगा, और गाइज आपको कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में करना है। कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइज आपको क्या करना है, जो आपका जो मेन वीडियो है उसका फ्रेंड्स आपको ऑडियो का आपको कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना होगा। म्यूट कर देने के बाद गाइज आप क्या कीजिएगा, आपको जो राइट साइड में जो ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना है। और गाइज जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइज जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में कीजिएगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसका ऑडियो को फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से आपको म्यूट कर देना होगा। म्यूट कर देने के बाद गाइस आपका जो ये फाइल है उसमें आपको कुछ इस तरह से क्लिक करना है। और गाइस आपको जो ये 3 डॉट दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी वाले 3 डॉट में क्लिक करके आपको सेंड टू बैक ऑप्शन को क्लिक कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो वीडियो है इस वीडियो के पीछे चला जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको इस वाले वीडियो में आपको कुछ इस तरह से क्लिक करना होगा। और गाइस आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, देख सकते हैं इसको फ्रेंड्स आपको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख सकते हैं इसी ऑप्शन का जब आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कॉर्माकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले कॉर्माकी में क्लिक करके या आपको फ्रेंड्स यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करेंगे, आपका जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पे दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपना वीडियो को प्ले करके देखना है। जैसे गाइस आप अपना वीडियो को प्ले करके देखेंगे, तो आपका वीडियो अभी कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अब गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड में जो आपको ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो, तो फ्रेंड्स आपको पता है आपको क्या करना है। तो गाइस बिना किसी तरीके चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।